क्वेश्चन नंबर वन, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. ठीक है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. ठीक है, उसमें हमारा पहला है 5, 1, 3. ठीक है, पहला पॉइंट है 5, 1, 3. ठीक है, ऑक्टेंट से रिलेटेड मैंने कल कुछ चीजें बताया था, उसी को मैं एक बार और डिस्कस कर दे रहा हूं, क्योंकि तुम लोग की क्लास का टाइम हो गया था, इस वजह से थोड़ा हमको बीच में क्लास को छोड़ना पड़ा था. ओ एक्स वाई जेड कंडीशंस थी हमारी. ओ एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, ओ एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओ एक्स डैश का मतलब हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस. ओ वाई का मतलब हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस. ओ वाई डैश का मतलब हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस. ओ जेड का मतलब हो गया पॉजिटिव जेड एक्सिस. ओ जेड डैश का मतलब हो गया नेगेटिव जेड एक्सिस. ठीक है, तो 5, 1, 3, 5, 1, 3 का मतलब एक्स वाई और जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव है. ठीक है, 5, 1, 3 का मतलब एक्स वाई जेड जो है वो तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, और तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई और जेड तीनों पॉजिटिव है, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ऑक्टेंट कौन सा हो गया, ओ एक्स वाई जेड. ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव है. ठीक है, नेक्स्ट इसी में हमारे पास है -5, 1, 3. ठीक है, सेकेंड है -5, 1, 3. ठीक है, -5, 1, 3, तो इसमें एक्स नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव मतलब ओ एक्स डैश वाई जेड. नेक्स्ट है हमारे पास -5, -1, 3. -5, -1, 3. एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव मतलब ओ एक्स डैश वाई डैश जेड. एंड उसी का हमारे पास फोर्थ है -5, -1, -3. -5, -1, -3. तो ये हमारा बन जाएगा तीनों नेगेटिव मतलब ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश. ठीक है, अभी तुम लोग को मैंने अनम्यूट कर दिया है. ठीक है, हाँ बोलो क्या हो गया, आप तो कर दिया सर, अब क्या करोगे, रुक के करो अब आगे। नेगेटिव से बोला ना. मैं भेजो स्क्रीनशॉट भेजो भाई, चलो ठीक है। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में है, थोड़ा देख लेना 5 मिनट का रिकॉर्डिंग, और क्या उसमें मिल जाएगा सब. ठीक है, हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द इन स्पेसिफाइड प्लेन. तो इसमें हमारा पहला दिया हुआ है पी पॉइंट है -4, 3, 6 इन एक्स वाई प्लेन. देखो इमेज निकालने का मतलब क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे इमेज देखना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा. जैसे एक्स का इमेज क्या बनेगा, एक्स डैश, वाई का इमेज क्या बनेगा, वाई डैश. ठीक है, तो मतलब इमेज क्या बन गया, क्लास लेते लेते आया था.
इसीलिए तुम लोग को मैं म्यूट करके रखता हूं। माइनस फोर थ्री सिक्स, अगर कुछ बोलना हो तो उस समय अपने आप को अनम्यूट कर लो, बाद में म्यूट कर लिया करो, ठीक है? अब घर वालों इन लोगों की आवाज आती है, क्या फायदा है सर? माइनस फोर थ्री सिक्स, तो माइनस फोर का बनेगा फोर, ये बना माइनस थ्री। एक्स वाई प्लेन पे है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट यहां पे फिक्स हो गया, ठीक है? तो बना माइनस फोर थ्री, माइनस फोर थ्री, एक मिनट, एक्स वाई प्लेन है ना, तो एक मिनट रुक जा, जरा इसको हम एक्स वाई प्लेन पे है, एक बार डायग्राम बना के एक बार इसको देखते हैं, ठीक है? X, Y, Z, ठीक है? एक्स वाई प्लेन का इमेज, इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन के विथ रिस्पेक्ट टू इमेज देखनी है, ठीक है? तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को 3D में दिखा रहा हूं जरा, मतलब प्लेन कैसा है। जैसे ये मोबाइल है हमारे पास, ठीक है? ये हो गया एक्स प्लेन, ये हो गया एक्स, ये बना वाई, और ये वाला बन गया Z, ठीक है? X, Y, Z, ठीक है? तो एक्स वाई प्लेन ये है, और एक्स वाई प्लेन के विथ रिस्पेक्ट टू उसकी इमेज देखनी है, मतलब कहां जाएगा, नीचे गया ना। देखो ये है पॉजिटिव X, पॉजिटिव Y, पॉजिटिव Z, ठीक है? X, Y, Z, ठीक है? तो X, Y, Z हमारे पास है, एक मिनट रुक जाओ, तुम लोग को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है? कुछ डाउट हो तो एक बार पूछते जाओ, ठीक है? देखो जरा, ये है एक्स वाई जेड, ये वाला है जेड, ठीक है? तो अगर एक्स वाई प्लेन की इमेज देखनी है, मतलब ये नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, एक्स वाई की इमेज देखनी है, मतलब ऊपर वाले की इमेज कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, मतलब एक्स वाई प्लेन की इमेज देख रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इसमें हमारा y कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, मतलब हमारा बन जाएगा 6 की जगह हो जाएगा -6, मतलब इमेज, इसमें एक लाइन जरा लिख लेते हैं, तो ये कंसेप्ट तुम दिमाग में ये रख लो कि जिसके विथ रिस्पेक्ट टू हमको इमेज लेनी है उसके अलावा जो कोऑर्डिनेट बच जा रहा है उसके साइन को चेंज कर दो, ठीक है? तो फॉर इमेज इन एक्स वाई प्लेन द साइन ऑफ जेड कोऑर्डिनेट इज चेंज्ड, देयरफॉर इमेज इज माइनस फोर थ्री माइनस सिक्स, ठीक है? माइनस फोर थ्री माइनस सिक्स, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? सर स्क्रीन शेयर, स्क्रीन तो ऑन करो सर। शेयर तो है नो सर, पोस्ट डिसेबल। इसी का थर्ड नंबर, आर दिया हुआ है 1-2, 5 इन वाई जेड प्लेन, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वन माइनस टू फाइव दिया हुआ है,
वाई जेड प्लेन का चाहिए, तो मतलब क्या हो जाएगा इसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यस सर, हो गया। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूं, ठीक है, इसको क्लियर करूं, चल जाएगा ना? कर दो सर। चलो तो अब आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ point are -5, -3, 2. Write down, इसको कुछ करना नहीं है, write down the coordinates of seven points whose absolute values, ये तो कर लोगे तुम लोग भी, whose absolute values are the same as those of coordinates of given point. ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये दिया हुआ है तो क्या करोगे, सबके साइन को चेंज करते जाओ और क्या, बिल्कुल आसान है। -5, -3, 2 तो बनेगा -5, -3, -2, ये हो गया पहला। दूसरा बनेगा -5, -3, -2, ठीक है, फिर बनेगा तीसरा, बन गया 5, -3, -2, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, -2 के साइन को चेंज किया, ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लिखा। अब अगला क्या करेंगे, 5, -3, 2, 5, -3, -2, फिर बनेगा 5, -3, -2, ऐसे, ये तो हो गया 5, -3, 2, 5, -3, -2, ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5 और -5 हो गया, अब नेक्स्ट उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, -5, -3, -2, -5, +3, -2, 5, -3, -2, 5, -3, 2, अच्छा ये रिपीट हो गया, वही बोलना, कुछ तो रिपीट कर दिया ना हमने, ठीक है, ये हो गया 4। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, -3 वाले को चेंज कर लो, ठीक है, तो बनेगा हमारे पास -5, 3, 2, -5, 3, 2 नहीं लिखा ना, -5, 3, 2, फिर बनेगा -5, 3, -2 लिख दिया। बस करना क्या, सबका प्लस माइनस करके पूरा जितना पॉसिबिलिटी है सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बनेगा 5, -3, 2 कहीं लिखा है हमने, लिख दिया है, तो 2 के विथ रिस्पेक्ट टू ले लो, 5, 3, 2 ये नहीं है और क्या नहीं है, 5, -3, 2 है, -5, 3, 2 कहीं दिख रहा है, नहीं है, तो -5, 3, 2 भी है और क्या लिख सकते हैं, -5, -3, 2 ये भी है,
माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस टू ये भी है, कौन सा रह गया? टोटल सात चाहिए ना। पहला टू के लिए लिखा माइनस फाइव माइनस थ्री, तो बना माइनस फाइव प्लस थ्री फाइव थ्री, फिर बनेगा फाइव माइनस थ्री, फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस थ्री टू, ये भी हो गया हमारा। और एक कौन सा बच गया? कौन सा रह गया? माइनस फाइव माइनस फाइव थ्री माइनस टू माइनस फाइव फाइव थ्री माइनस टू तो ये बन गया फाइव थ्री माइनस टू, हो गया ना टोटल सात। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से लिखना था पूरे। ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। ठीक है, ये सब वैसे ही क्वेश्चन है, मेन हमारा एक्सरसाइज टू से मेन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर, लेट ए बी सी बी द फिट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम a point P to x, y and z axis respectively. Find the coordinates of P, find the coordinates of A, B and C if P is 1, 2, 5. देखो बिल्कुल आसान है, करना क्या है, A है x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, A है x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब ए जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर में लाई कर रहा है। अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर में लाई कर रहा है तो इसका मतलब वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो पहला कंडीशन, सिंस पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, मैं डायग्राम भी बना के दे दूंगा, देयरफॉर इट्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स आर जीरो। Therefore, A क्या बना? 100. Similarly, point B क्या बनेगा? 020 and point C ये बनेगा 005. ठीक है, इसका मैं एक बार डायग्राम बना के दे दे रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो जरा डायग्राम बना के दे रहा हूं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2, 5। ठीक है, ये X है, ये Y है, ये Z है। ठीक है, तो P से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया X के ऊपर, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 100. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें Y और Z कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। उसी तरीके से अगर मैं P से Z के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ये पॉइंट हो गया हमारा C।
तो सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसमें, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहां पे जीरो हो जाएगा, मतलब 0 0 5। एंड अगर मैं यहाँ पे एक्चुअली 3D फिगर है तो दिखाना थोड़ा उसको मुश्किल होगा, अदरवाइज क्या होगा वो हमारा बनेगा 0 2 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आ रहे हम क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको इरेज कर दूं? ठीक है ना, कर लिया सबने? यस सर, कर लिया। चलो तो गया सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में आ रहे हैं। अ क्यूब ऑफ साइड थ्री यूनिट्स हैज वन वर्टेक्स एट 1 1 1। And three edges from this vertex are parallel to x-axis, negative y parallel to positive x axis, negative y and negative z axis. Find the coordinates of other vertices. ठीक है, तो सबसे पहले जरा एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, चलो अभी नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट है 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये हमारा है, इसको लिखते हैं, ये बना x, ये बना y, ये बन गया z, पैरेलल टू जो आ रहा है हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो पहला बना 1 1 1, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, मतलब ये क्या बनेगा 4 1 1, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स होना चाहिए। दूसरा जा रहा है किसके अलोंग जा रहा है, c के लिए y कोऑर्डिनेट जा रहा है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट में क्या चाहिए, नेगेटिव y। ठीक है, नेगेटिव y मतलब डिस्टेंस तो वही रहेगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, तो क्या बनेगा 4 -2 1। देखो इनके बीच में अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हो, तो 4 4 गया, -2 + 1 मतलब 3 बन जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं, अब ये क्या है, पैरेलल टू z एक्सिस, ये क्या है, पैरेलल टू z एक्सिस,
तो किस क्या बन जाएगा इसमें, इसमें x और y कांस्टेंट हो जाएगा, z में चेंज हो जाएगा, z में भी कौन सा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये बना 4 - 2 - 2। ठीक है, फिर आ रहे हैं हम किसके अलोंग आ रहे हैं, हमारे दोबारा x एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। ठीक है, तो x एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो मतलब हमारे पास क्या हो गया 4 - 2। ठीक है, 4 - 2 - 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 है इधर आएगा तो दोबारा क्या बन जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 1, किसके अलोंग आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं ना, तो बाकी सब चीजें फिक्स 1 - 2 - 2। ठीक है, 1 - 2 - 2। फिर इस साइड में आ रहे हैं, इधर हम आ रहे हैं, मतलब ये क्या बना, कौन सा एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ये वाला है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस का क्या बन जाएगा 1, उसके लिए नेक्स्ट बना 1, नेक्स्ट हो गया -2। ठीक है, फिर एक बच गया हमारे ये नीचे वाला, तो ये अलोंग जेड एक्सिस नीचे आ रहा है, तो अलोंग जेड एक्सिस नीचे आ रहा है मतलब ये बनेगा 1 - 2 और तीसरा बन गया 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम लोग को लग तो नहीं रहा, तुम लोग समझे हो गए, फिर भी थोड़ा मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, समझ गया, चलो बढ़िया है। फिर तो देखो सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना, मैंने अपने हिसाब से एक को एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, यही काम किया है। ठीक है, तो मतलब 1 - 1 - 1 है, तो पहला चला सब में क्या है, 3-3 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो पहले यहां से स्टार्ट किया, बात समझो जरा, यहां से स्टार्ट किया, यहां से लिया 3 यूनिट्स, तो क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस चल रहा है या पैरेलल टू एक्स एक्सिस चल रहा है, तो उसमें वाई और जेड कोऑर्डिनेट हो गए फिक्स, मतलब 1 - 1 हो गया, ये बना 4 - 1 - 1। फिर बी से आया सी, तो बी से सी मतलब क्या हो गया, वो इसके पैरेलल है, एएच के पैरेलल है, मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट एज इट इज रहा 4 - 2 - 1। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो मतलब एक्स और वाई फिक्स हो गया, वाई जो जेड कोऑर्डिनेट हो गया उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 3 यूनिट्स, तो 1 - 2 क्योंकि जेड अलोंग नेगेटिव है। फिर आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो 4 तक गया हुआ था, कम हो गया 3-1 तक आ गया, 1 - 2 - 2। फिर आ रहा है पैरेलल टू जेड एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो 1 - 1 - 2। फिर यहां पे नीचे आ गया 1 - 2 - 1। ठीक है, आंसर हमारे पास है 1 - 1 - 2, आंसर भी टैली कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, एक मिनट, बहुत सारी चीजें आ गई ना, तो हमारे पास नेक्स्ट हो गया 1 - 1 - 2, कहा गया ये है, नेक्स्ट हो गया 1 - 2 - 1, ये दूसरा है, फिर 1 - 2 - 2, ये हो गया तीसरा, ये बना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर आ गया फोर्थ, फोर्थ में है, अच्छा ये एक छूट गया था ना, ये वाला एक रह गया, चलो फोर्थ वाला हो गया 4 - 1 - 1, 4 - 1 - 1 के बाद इसमें, इसी में तो चेंज करना ना बस, किसके पैरेलल है, जेड के पैरेलल है, तो बन जाएगा 4 - 1 - 2। ठीक है, चलो ये हो गया फोर्थ के बाद, ये आ गया फिफ्थ नंबर 4 - 1 - 2, फिर उसके बाद है 4 - 2 - 1, ये हो गया सिक्स्थ नंबर, फिर 4 - 1 - 2, कहाँ है 4 - 1 - 2, ये आ गया 4 - 1 - 2, 4 - 2 - 1, फिर बना 4 - 2 - 2, ये हो गया सेवंथ नंबर, और ये तो हमारा फर्स्ट नंबर शुरुआत वाला दिया हुआ था, तो बाकी के टोटल जितने सेवन थे वो हमने सब निकाल लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12.1 एक्सरसाइज, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 12.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बस उसके बाद मीटिंग को मूव ओवर करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करूं, हो गया सभी का, हो गया सभी का,
मीटिंग का टाइम हो गया सर 40 मिनट टाइम तो हो गया सर। चलो अभी तो आ जाएगा, वो कर लेते हैं अभी थोड़ा और 5 मिनट, उसके बाद फिर ओवर करेंगे। ठीक है चलो सर, आप तो ले लोगे, अगले तो नहीं मानेंगे, वो तो और कर देंगे 40 मिनट बाद। क्या अगली कोई मीटिंग का टाइम आ गया क्या तुम लोग का? यस सर, फिजिक्स की है। फिजिक्स का है? एक मिनट तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। बस एक दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक है तो एक्सरसाइज 12.2। ठीक है तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ पॉइंट्स। उसमें पहला हमारा दिया हुआ है 2, 3, 4 एंड दूसरा है -1, -2, -3। ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो गया ए, ये बन गया बी। तो ए बी इक्वल टू हो गया √2 + 1² + 3 - 2² + 4 + 3² ठीक है ये हो गया 9 + 1 + 49 49 + 1 हो गया 50 ओवरऑल हमारे पास हो गया √59 ठीक है नोट कर लो जल्दी से। इसी का सेकेंड क्वेश्चन, पूरा जो पहला क्वेश्चन है पूरा सब इसी पे बेस्ड है। ठीक है तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में, बस क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए 2, 1 एंड 1, -1, 1 इज 5 देन फाइंड ए। ठीक है यहां पे डिस्टेंस दिया हुआ है 5 तो डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है 5 तो मतलब क्या बनेगा √a - 1² + 2 + 1² + 1 - 1² दिस इक्वल टू हो गया 5 तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लोगे a² - 2a + 1 + 3² हो गया 9 = 25 तो बन गया a² - 2a - 15 = 0 10 हो गया तो बनेगा a - 5 a + 3 = 0 मतलब a = 5 a = -3 ठीक है a = 5 and a = -3 ठीक है तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है एक बार आंसर भी टैली कर ले। ठीक है तो 5 and -3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है तो चलो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है सर आप एक